हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मैलू टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। बरसात के मौसम में कुछ टेस्टी कुरकुरा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ट्राई करें। झटपट बन जाने वाली बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी कुरकुरी रेसिपी, नॉर्मल ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाएं या बनाएं इसे व्रत के टाइम पर, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 2/3 कटोरी साबूदाना, करीब 100 ग्राम साबूदाना यहाँ पे हमने लिया है, और मिक्सी जार में डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। जितना स्मूथ, जितना फाइन पाउडर आप इसका बना सकें उतना फाइन पाउडर इसका बनाना है और डालना है इसे एक पैन में। पैन को हमने पहले से ही मीडियम गरम कर लिया है और गैस को कर दिया है स्लो फ्लेम पर। स्लो फ्लेम पर करेंगे इसे ड्राई रोस्ट, जिससे जो हमारे साबूदाने में नमी है वो दूर हो जाए और साथ ही हमारा साबूदाना क्रिस्पी भी हो जाए, जिससे हमारे बहुत ही कुरकुरे क्रिस्पी रेसिपी बनकर हमें मिलेगी। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, यानी अच्छे से कर लेना है इसे गरम। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने लिए हैं 300 ग्राम कच्चे केले, जिन्हें हमने वॉश करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसिल आने तक बॉयल किया है और उसके बाद इनका उतार लेंगे छिलका। 3 से 4 विसिल में बिल्कुल अच्छे से ये बॉयल हो जाते हैं और आप देख सकते हैं हमने इनका छिलका उतार लिया है। डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल में, बिल्कुल अच्छे से हमें कर लेना है इन्हें मैश। अगर आप चाहें तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें मैशर की हेल्प से इस तरह से मैश कर लीजिए बिल्कुल स्मूथ, जितना आप कर सकें उतना स्मूथ इसे कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इन्हें मैश कर लिया है। यहाँ पर मिक्स करने जा रहे हैं साबूदाना जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था, उसका पाउडर यहाँ पर डाल दिया है हमने, और हमारे साबूदाने के साथ ही यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं धनिया और हरी मिर्च। दोनों ही चीज़ हमने बारीक चॉप करके ले ली है। यहाँ पे हमने एक हरी मिर्च ली है और धनिया लिया है हमने करीब 2 से 3 चम्मच, और साथ में ही यहाँ पे हम डालने जा रहे हैं नमक। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक का यूज़ करा है, आप नॉर्मल नमक का यूज़ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं या नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाला है, 1/2 चम्मच यहाँ पर हमने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1/4 चम्मच यहाँ पर हमने डाली है काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ पर हमने डाला है नींबू का रस। बिल्कुल अच्छे से हाथ से मसलते हुए हमें इसका एक डो बना के तैयार कर लेना है। पानी की नीड यहाँ पर हमें नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको केलों में मॉइस्चर कम लगता है तो आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच तेल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, और बस एक प्रॉपर डो बना के कर लेना है तैयार और रख देना है पूरे 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर। और 10 मिनट बाद हम प्लेटफॉर्म पर या चकले पर लगाएंगे हल्का सा घी या तेल, यानी हमें अच्छे से इसे पूरा ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद हमारे इस डो को हम रखेंगे इस चकले पर और हाथ से हल्के हाथों से टैप करते हुए हमें इसे एक सर्कल की फॉर्म में बना लेना है सारे साइड्स को सेट करते हुए, और बस इस तरह से हम इसे शेप देते हुए कट कर लेंगे। आप अपनी मनचाही शेप इसे दे सकते हैं, बस हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इसे सेट करें तो हमें ज़्यादा पतला सेट नहीं करना है, और केले और साबूदाने का रेशियो भी यही रखिएगा जैसे कि हमने लिया है 300 ग्राम केलों के साथ, यहाँ पे हमने 100 ग्राम साबूदाना ही लिया है। अगर केले की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो ओवर सॉफ्ट हो जाएंगे, और अगर साबूदाने की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो ये खाने में कैड़े भी हो सकते हैं, इसलिए रेशियो यही रखेंगे। और तेल को हमने कर लिया है तेज गर्म और गैस को कर दिया है मीडियम फ्लेम पर, और मीडियम फ्लेम पर ही हम हमारे इस नाश्ते को एक एक करके छोड़ेंगे और अलट पलट करते हुए हमें अच्छा गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करना है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डालते ही इन्हें ना छेड़ें, नहीं तो इनके टूटने का चांस रहेगा। करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम एक साइड से इन्हें अच्छे से सिकने देंगे और उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखिएगा, स्लो फ्लेम पर हमें इसे नहीं रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा गोल्डन ये हो गया है, एक एक करके इन्हें उतार लेंगे और गर्मा गर्म करेंगे इन्हें सर्व। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है नाश्ता खाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। आप इसे लंच बॉक्स में या नाश्ते में ईजिली बना सकते हैं, बहुत ही पसंद आता है। सॉस के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ आप इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं देखने से ही ये कितने टेस्टी और क्रिस्पी लग रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कच्चे केले की जगह आलू का यूज़ भी कर सकते हैं और इस रेसिपी को कर सकते हैं एंजॉय। तो आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।